हम पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था। ऐसे में विश्वकर्मा योजना के एक साल पूर्ण होने का ये उत्सव, विनोबा जी की ये साधना स्थली, महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि, वर्धा की ये धरती, ये उपलब्धि और प्रेरणा का ऐसा संगम है जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा। विश्वकर्मा योजना के जरिए हमने श्रम से समृद्धि, इसका कौशल से बेहतर कल का जो संकल्प लिया है, वर्धा में बापू की प्रेरणाएं हमारे उन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का माध्यम बनेगी। मैं इस योजना से जुड़े सभी लोगों, देश भर के सभी लाभार्थियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी गई है। आज का भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार में टॉप पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। देश का लक्ष्य है भारत की टेक्सटाइल सेक्टर के हजारों वर्ष पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना। अमरावती का पीएम मित्र पार्क इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। मैं इस उपलब्धि के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमने विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ के लिए महाराष्ट्र को चुना। हमने वर्धा की इस पवित्र धरती को चुना क्योंकि विश्वकर्मा योजना केवल सरकारी प्रोग्राम भर नहीं है। ये योजना भारत के हजारों वर्ष पुराने कौशल को विकसित भारत के लिए इस्तेमाल करने का एक रोड मैप है। आप याद करिए, हमें इतिहास में भारत की समृद्धि के कितने ही गौरवशाली अध्याय देखने को मिलते हैं। इस समृद्धि का बड़ा आधार क्या था? उसका आधार था हमारा पारंपरिक कौशल, उस समय का हमारा शिल्प, हमारी इंजीनियरिंग, हमारा विज्ञान इस दुनिया में के सबसे बड़े वस्त्र निर्माता थे, हमारा धातु विज्ञान, हमारी मेटलर्जी भी विश्व में बेजोड़ थी। उस समय के बने मिट्टी के बर्तनों से लेकर भवनों की डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं था।
इस ज्ञान विज्ञान को कौन घर घर पहुंचाता था? सुतार, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, बढ़ई, मिस्त्री, ऐसे अनेक पेशे ये भारत की समृद्धि की बुनियाद हुआ करते थे। इसलिए गुलामी के समय में अंग्रेजों ने इस स्वदेशी हुनर को समाप्त करने के लिए भी अनेकों साजिशें की। इसलिए ही वर्धा की इस धरती से गांधी जी ने ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया था। लेकिन साथियों, ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने इस हुनर को वो सम्मान नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। उन सरकारों ने विश्वकर्मा समाज की लगातार उपेक्षा की। जैसे जैसे हम शिल्प और कौशल का सम्मान करना भूलते गए, भारत प्रगति और आधुनिकता की दौड़ में भी पिछड़ता चला गया। साथियों, अब आजादी के 70 साल बाद हमारी सरकार ने इस परंपरागत कौशल को नई ऊर्जा देने का संकल्प लिया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा जैसी योजना शुरू की। विश्वकर्मा योजना की मूल भावना है सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, यानी पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण और विश्वकर्मा बंधुओं के जीवन में समृद्धि, ये हमारा लक्ष्य है। और साथियों, विश्वकर्मा योजना की एक और विशेषता है, जिस स्केल पर, जिस बड़े पैमाने पर इस योजना के लिए अलग अलग विभाग एकजुट हुए हैं, ये भी अभूतपूर्व है। देश के 700 से ज्यादा जिले, देश की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत, देश के 5,000 शहरी स्थानीय निकाय, ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। इस एक वर्ष में ही 18 अलग अलग पैसों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन मिल चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में ही 60,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिली है। इसमें कारीगरों को मॉडर्न मशीनरी और डिजिटल टूल्स जैसी नई टेक्नोलॉजी भी सिखाई जा रही है। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। इतना ही नहीं, हर लाभार्थी को 15,000 रुपये का ई वाउचर दिया जा रहा है।
अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक लोन भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी विश्वकर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है, तभी तो ये इतनी सफल है, तभी तो ये लोकप्रिय हो रही है। और अभी मैं हमारे जीतन राम मांझी जी प्रदर्शनी का वर्णन कर रहे थे, मैं प्रदर्शनी देखने गया था, मैं देख रहा था कितना अद्भुत काम परंपरा ग्रुप से हमारे यहां लोग करते हैं। और जब उनको नए आधुनिक टेक्नोलॉजी टूल मिलते हैं, ट्रेनिंग मिलते हैं, उनको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सीड मनी मिलता है, तो कितना बड़ा कमाल करते हैं वो अभी मैं देख के आया हूं। और यहां जो भी आप आए हैं ना, मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप ये प्रदर्शनी जरूर देखें। आपको इतना गर्व होगा कि कितनी बड़ी क्रांति आई है। साथियों, हमारे पारंपरिक कौशल में सबसे ज्यादा भागीदारी एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों की रही है। अगर पिछली सरकारों ने विश्वकर्मा बंधुओं की चिंता की होती तो इस समाज की कितनी बड़ी सेवा होती। लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी एसटी ओबीसी को जानबूझकर के आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। पिछले 1 साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। इसके लिए हमने विश्वकर्मा भाई बहनों के काम को एमएसएमई का दर्जा दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एकता मॉल जैसे प्रयासों के जरिए पारंपरिक उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि ये लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन का हिस्सा बने। इसलिए ओएनडीसी और जेम जीईएम जैसे माध्यमों से शिल्पकारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद का रास्ता बन रहा है। ये शुरुआत बता रही है जो वर्ग आर्थिक प्रगति में पीछे छूट रहा था, वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाएगा। सरकार का जो स्किल इंडिया मिशन है वो भी इसे सशक्त कर रहा है। कौशल विकास अभियान के तहत भी देश के करोड़ों नौजवानों की आज की जरूरतों के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग हुई है। स्किल इंडिया जैसे अभियानों ने
भारत की स्किल को पूरी दुनिया में पहचान दिलानी शुरू कर दी थी और हमारे स्किल मंत्रालय हमारी सरकार बनने के बाद हमने अलग स्किल मंत्रालय बनाया और हमारे जयंत चौधरी जी आज ये स्किल मंत्रालय का कारोबार देखते हैं। उनके नेतृत्व में इसी साल फ्रांस में वर्ल्ड स्किल्स पर बहुत बड़ा आयोजन हुआ। हम ओलंपिक की जो चर्चा बहुत करते हैं लेकिन उस फ्रांस में अभी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इसमें स्किल को लेकर के हमारे छोटे छोटे काम करने वाले कारीगर और उन लोगों को भेजा गया था और इसमें भारत ने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। साथियों, महाराष्ट्र में जो अपार औद्योगिक संभावनाएं हैं उनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक है। विदर्भ का ये इलाका ये हाई क्वालिटी कपास के उत्पादन का इतना बड़ा केंद्र रहा है लेकिन दशकों तक कांग्रेस और बाद में महाअघाड़ी सरकार ने क्या किया, उन्होंने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने की जगह उन किसानों को बदहाली में धकेल दिया। ये लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार करते रहे। समस्या का समाधान देने के लिए काम तब तेजी से आगे बढ़ा जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनी थी। तब अमरावती के नांदगांव खंडेश्वर में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण हुआ था। आप याद करिए तब उस जगह के क्या हाल थे। कोई उद्योग वहां आने को तैयार नहीं होता था लेकिन अब वही इलाका महाराष्ट्र के लिए बड़ा औद्योगिक केंद्र बनता जा रहा है। साथियों, आज पीएम मित्र पार्क पर जिस तेजी से काम हो रहा है उससे डबल इंजन सरकार की इच्छा शक्ति का पता चलता है। हम देश भर में ऐसे ही 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित कर रहे हैं। हमारा विजन है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। यानी विदर्भ के कपास से यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। इससे किसानों को खेती में होने वाला नुकसान बंद होगा, उन्हें उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, उसमें वैल्यू एडिशन होगा। अकेले पीएम मित्र पार्क से ही यहां 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इससे विदर्भ और महाराष्ट्र में युवाओं के लिए रोजगार के 1 लाख से ज्यादा नए अवसर बनेंगे। यहां दूसरे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, नई सप्लाई चेन्स बनेगी, देश का निर्यात बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। और भाई और बहनों, इस औद्योगिक प्रगति के लिए जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी चाहिए महाराष्ट्र
उसके लिए भी तैयार हो रहा है। नए हाईवे, एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग, वॉटर और एयर कनेक्टिविटी का विस्तार, महाराष्ट्र नई औद्योगिक क्रांति के लिए कमर कस चुका है। साथियों, मैं मानता हूं महाराष्ट्र की बहुआयामी प्रगति का अगर कोई पहला नायक है तो वो है यहां का किसान। जब महाराष्ट्र का, विदर्भ का किसान खुशहाल होगा तभी देश भी खुशहाल होगा। इसलिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रही है। आप देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार 6000 रुपये किसानों के लिए भेजती है, महाराष्ट्र सरकार उसमें 6000 रुपया और मिलाती है। महाराष्ट्र के किसानों को अब 12000 रुपया सालाना मिल रहा है। फसलों के नुकसान की कीमत किसान को न चुकानी पड़े, इसके लिए हमने 1 रुपये में फसल बीमा देना शुरू किया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी 0 कर दिया है। इस क्षेत्र में सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार के समय से ही कई प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन बीच में ऐसी सरकार आ गई जिसने सारे कामों पर ब्रेक लगा दिया। इस सरकार ने फिर से सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट को गति दी है। इस क्षेत्र में करीब 85000 करोड़ रुपए की लागत से पैनगंगा नलगंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलडाणा इन 6 जिलों में 10 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र के किसानों की जो मांगे थी उन्हें भी हमारी सरकार पूरा कर रही है। प्याज पर एक्सपोर्ट टैक्स 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। खाद्य तेलों का जो आयात होता है उस पर हमने 20% टैक्स लगा दिया है। रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यमुखी और पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया है। इसका बहुत फायदा हमारे सोयाबीन उगाने वाले किसानों को होगा। जल्द ही इन सब प्रयासों के परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक सावधानी भी बरतनी होगी। जिस कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों ने किसानों को इस हालत में पहुंचाया, बर्बाद किया, हमें उन्हें फिर मौका नहीं देना है, क्योंकि कांग्रेस का एक ही मतलब है झूठ, धोखा और बेईमानी। इन्होंने तेलंगाना में चुनाव के समय किसानों से लोन माफी जैसे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो किसान लोन माफी के लिए भटक रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में हमें
इनकी धोखेबाजी से बचकर रहना है। साथियों, आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है, आजादी की लड़ाई में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है, कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। महाराष्ट्र गणपति की आराधना करीत होता आणि कर्नाटकात गणपति की मूर्ति पोलीस वैन मध्ये होती। साथियों, पूरा देश गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं, इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है, उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है। हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है। हम साथ मिलकर महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाएंगे। हम सब साथ मिलकर महाराष्ट्र का गौरव और बढ़ाएंगे। हम महाराष्ट्र के सपनों को पूरा करेंगे।